दोस्तों, अगर आपको अपना पहला कमीशन वर्क अभी तक नहीं मिला है तो एक कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा कि कितनी इजीली आप कमीशन वर्क ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जांगड़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप कमीशन वर्क यानी कि ऑर्डर वर्क ले सकते हैं और स्पेशली पोर्ट्रेट्स की बात करेंगे। पोर्ट्रेट्स बनाना, जो हम लोग ऑर्डर पोर्ट्रेट्स बनाते हैं उसके बारे में हम लोग स्पेशली बात करेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड तीन ऐसे मेथड आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ईजिली कोई भी फॉलो कर सकता है और उन्हें फॉलो करके आप ईजिली कमीशन वर्क ले सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। मेथड नंबर वन, सोशल मीडिया को यूज़ करके आप किस तरीके से कमीशन वर्क ले सकते हैं और आपकी पोस्ट के अंदर छोटे से चेंजेस करके आपके जो चांसेस हैं कमीशन वर्क मिलने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो चीज़ें दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन कमीशन वर्क की बात करने से पहले हम लोग एक छोटा सा इवेल्युएशन कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना ये है कि जो भी आप पोर्ट्रेट बनाते हो उसको अपने पास रखिए अपने सामने इस तरीके से और उस पोर्ट्रेट को थोड़ा नज़र भर के देखिए। अगर आपके पास अभी तक पहला कमीशन वर्क नहीं आया है तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको अपने सामने रखिए और उसको देखिए नज़र भर के और फिर अपने आप से एक सवाल कीजिए कि अगर आपको कोई ऐसा पोर्ट्रेट बना के देता है तो क्या आप उसको पे करोगे। और यहाँ पर आपको बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा इसका कि आप उसको पे करोगे। अगर आपका जवाब नहीं है तो मेरे भाई काम पे लग जाओ वापस से और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपका जवाब यस है तो भी काम पे लग जाओ और थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग देखा देखी एक दूसरे को देख देख के सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के पोर्ट्रेट्स बना के डालते रहते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। जब आप सोशल मीडिया पे किसी सेलिब्रिटी का या इनका पोर्ट्रेट बना के डालते हैं वो अपीलिंग तो होते हैं लेकिन वो साइकोलॉजिकली किसी को ऐसा उसको देख के मन ये नहीं करता है कि मैं भी अपना पोर्ट्रेट बनवाऊं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट आपने बना के डाला है। ऑन दी अदर हैंड जब आप किसी का सिंपल इंसान का पोर्ट्रेट बना के डालते हो तो वहाँ पे किसी के माइंड में जाता है कि भाई हाँ मैं भी अपना पोर्ट्रेट बनवा लेता हूँ उससे। ये बहुत छोटा डिफरेंस है लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट डालते हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर आप किसी को एडमायर करते हो जनरली तो आप उसका पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अब आपको पोस्ट किस तरीके से करना है, जनरली बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पोस्ट करते हुए वो एक गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल से आपका पोर्ट्रेट है मान लीजिए, और मैं इसको बढ़िया सा बाल बना देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल से आपका पोर्ट्रेट है और इसके ऊपर जो मेनली बिगिनर्स करते हैं वो ये लिख देते हैं कि पेंसिल स्केच, और पेंसिल स्केच लिखने के बाद यहाँ पर आप लिख देते हैं कि कॉन्टैक्ट और अपना नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। इसके बजाय आपको करना क्या है, अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर पहली तो बात उसमें दीजिए मत, और अगर आपको देना ही है अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो आप इस तरीके से पोस्ट कीजिए कि जो भी आपका पोर्ट्रेट है वो पोर्ट्रेट आप एक स्टोरी के साथ पोस्ट कीजिए। यहाँ पर आपको एक लंबी सी कुछ बढ़िया सी स्टोरी आपको कैप्शन में उसके ऊपर लिख देनी है, और फिर जब बंदा स्टोरी पढ़ लेता है उसके बाद आपको नीचे अपना पूरा वो स्टोरी पढ़ के आया तो आपको नीचे फिर लिख देना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपको वहाँ पे अपना नाम, नंबर और ईमेल, या फिर अगर आपकी वेबसाइट भी है तो वो आप नीचे लिख सकते हैं। अब ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें जब बंदा, और आपकी स्टोरी में भी दम होना चाहिए जो आप लिख रहे हो कैप्शन में, क्योंकि जब बंदा आपकी पूरी स्टोरी पढ़ता है तो वे फिर नीचे आते 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 वो कॉन्टैक्ट को भी पढ़ेगा। लेकिन जब आप इस तरीके से पोस्ट करते हो सिंपल तो वो एक स्पैम की तरह लगता है, एक ब्रैगिंग लगती है कि जैसे आप बोल रहे हो कि भाई देखो देखो मेरे से बनवा लो यार बनवा लो, वो कुछ इस तरीके का लगता है जैसे ब्रैगिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है पोस्ट करते हुए कि बस पहले कोई आज तक पोर्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आया है या फिर कमीशन वर्क नहीं आपको मिला है तो आपको करना ये है कि आप एक अच्छा सा पोर्ट्रेट आप बना लीजिए, आपकी फैमिली में से किसी का भी आप बढ़िया सा एक पोर्ट्रेट बना लीजिए और उसको आप सोशल मीडिया पे एक अच्छी सी कैप्शन के साथ आप उसको पोस्ट कर दीजिए। और वो अच्छी सी कैप्शन आपको क्या डालनी है, वो अच्छी सी कैप्शन आपको सिंपल रखना है, उसमें आपको लिखना है कमीशन वर्क। यस, मैं जानता हूँ ये कमीशन वर्क नहीं है लेकिन आपको उसमें लिखना है, और उसके नीचे आपको लिख देना है DM फॉर ऑर्डर या फिर कमीशन।
ये चीज़ आपने लिख दी, और नीचे आप चाहें तो अपना जो भी पोर्ट्रेट से रिलेटेड कुछ है तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सिर्फ इतना करके भी पोस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप 4-5 पोस्ट कीजिए, और आप ऐसे अपने नॉन लोगों के पोर्ट्रेट्स बना दीजिए, 4-5 आप ऐसे पोस्ट करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आप कमीशन वर्क कर रहे हो, तो उससे आपके पास कमीशन वर्क आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बना है तो भी आपके पास कमीशन वर्क ईजिली आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको वीडियो की लास्ट में ऐसी दो चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो कि गलती बहुत सारे लोग करते हैं, और इसलिए उनके पास लॉन्ग टर्म में कमीशन वर्क नहीं आते हैं। कुछ लोगों के पास जैसे 4-5 कमीशन वर्क आ गए, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक की जिससे उनके पास कमीशन वर्क आने बंद हो जाते हैं। तो वो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और उसमें आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ें आपको, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ, जो कि है लाइव पोर्ट्रेट्स। लाइव पोर्ट्रेट्स बना के भी दोस्तों आप कमीशन वर्क ले सकते हैं, और कमीशन वर्क लेने का ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तरीका है। अब आप कहेंगे कि भाई लाइव पोर्ट्रेट्स तो हमसे बनते नहीं हैं या फिर हमें बनाने नहीं आते हैं, तो डोंट वरी, आपको लाइव पोर्ट्रेट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल पोर्ट्रेट जैसे आप बनाते हो, जैसे आप काम करते हो, वो बनाने आने चाहिए। आपको करना है कि एक स्केचबुक लीजिए, और आपने आसपास किसी भी सिटी पार्क में चले जाइए, जो भी आपके नज़दीक अच्छा पार्क है जिसके अंदर वेल बिहेव्ड यानी कि अच्छे हाई प्रोफाइल लोग आते हों, थोड़े से ऐसे लोग जो मतलब कि आर्ट के बारे में थोड़ा सा अवेयर हों और पोर्ट्रेट्स इनको थोड़ा अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मवाली घूम रहे हैं उस पार्क में आप जाके बैठ जाओ और फिर कहो कि भाई पोर्ट्रेट का ऑर्डर तो मिला ही नहीं। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको शाम को 1-2 घंटा बैठना है। आप किसी भी बेंच पर बैठ जाइए, पार्क में बैठ के आपको पोर्ट्रेट बस बैठ के बनाना है। हो सके तो अपना अकेले ना रहे तो अपने किसी दोस्त को साथ ले जाइए। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना है, तो आपको 70 तरह के आपको वहाँ पर लोग मिलेंगे, और वो लोग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको वहाँ पर ऑर्डर भी मिलेंगे। क्योंकि जब आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो, और फिर आपके आसपास 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके आसपास 4 लोग खड़े हो जाएँ तो पैनिक होने लगते हैं, पेंसिल नहीं चलती है, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये भी आपकी एक स्किल भी वहाँ पे इम्प्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है, प्लस आप अगर बढ़िया पोर्ट्रेट वहाँ पे बना रहे हो तो आपको करना ही है कि कोई आपसे अगर पूछता है तो आप उसको प्राइस बता दीजिए कि भाई इतने प्राइस में मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा, और आप मुझे पिक्चर मेल कर दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, और 1-2 दिन में मैं आपको पोर्ट्रेट बना के यहीं पर दे दूंगा। तो वहाँ पे आप अगर 1 हफ्ते तक लगातार जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपका पोर्ट्रेट जो आप बनाते हैं वो अच्छे बनाते हैं तो आपको ईजिली कमीशन वर्क वहाँ से मिल जाएगा, ईजिली आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको रिलेशन बिल्ड करना है, इसमें आपको ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट करनी है। ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, जो भी आपके एरिया में अच्छी आर्ट मटेरियल की शॉप है, या फिर कोई अच्छी गिफ्ट शॉप है, या फिर कोई अच्छी बुक डिपो या स्टेशनरी की शॉप है जिस पर से आप खुद आर्ट मटेरियल खरीदने जाते हो या कुछ सामान खरीदने जाते हो, वो ऐसी शॉप होनी चाहिए जिस पर थोड़े से वेल एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड लोग आते हों। यानी कि देखिए, एक खोके वाली स्टेशनरी शॉप और एक जिसके अंदर बहुत अच्छी से लाइट लगी है, थोड़ी वेल बिहेव्ड स्टेशनरी शॉप, जो गिफ्ट शॉप जिसमें बढ़िया डिस्प्ले है, वैसे आप शॉप में जाइए, और वहाँ पर आप अगर उनको जानते हैं, आप दुकान के मालिक को या ओनर को अगर आप जानते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको करना ही है कि सीधा जाके उन्हें कुछ नहीं बोलना है, पहले आपको 4-5 दिन लगातार उनकी दुकान पर जाना है, कुछ सामान थोड़ा सा खरीदिए, उनके साथ थोड़ा रिलेशन बनाना है आपको, डेली आपको कम से कम 10-15 मिनट उनकी दुकान में बिताना है और उनके साथ बिताना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको दुकान में तभी जाना है जब दुकान में कोई और ग्राहक ना हो, ताकि पूरा उसका फोकस आपके ऊपर ही रहे, आपकी बातें वो अच्छे से सुने। अब बात करते हैं कि आपको जाना कैसे है। आप कोई सामान खरीदने जा सकते हैं, कोई भी आप मान लीजिए कोई आप पेंसिल या फिर कुछ ऐसा कलर, छोटे मोटे कलर का आप खरीदने चले गए, और आपने जाते ही है और क्या हाल है भैया, सब बढ़िया, सब मज़े में है, कोई बच्चा है तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, कोई उसका बच्चा है तो दुकानदार का हाँ उसको थोड़ा सा खिला दीजिए। तो ये चीज़ें करने के बाद आप थोड़ा और उसके साथ यू नो वहाँ पर आप ये मत दिखाइए कि भाई जल्दी में हूँ मैं, थोड़ा दुकान में घूमिए, थोड़ा इधर उधर देखिए, 1-2 चीज़ें चेक कीजिए, और सामान लेने के बाद भी आप 1-2 मिनट उनके साथ कुछ भी जो भी मतलब करंट में कोई कुछ चीज़ चल रही है वैसी चीज़ें आप बातें कर सकते हैं उनके साथ, और फिर आते हुए हुए और ठीक है भैया ओके चलता हूँ। तो इतना आपने कर दिया, अब नेक्स्ट डे भी आपको फिर जाना है, नेक्स्ट डे भी आपको, अब आप कहेंगे भाई इतने पैसे तो है नहीं कि डेली मैं सामान खरीद के लाऊं, तो उसके लिए भी आप, तो मैं पहले दिन ये ऑब्जर्व करके आऊँगा दुकान में से कि इसके पास ये मटेरियल हो सकता है नहीं मिलेगा, तो मैं वो ही मटेरियल मैं वहाँ पर
लेने के लिए जाऊंगा। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने उसको बोला कि भाई कैनवस है आपके पास? तो उसने कहा कि कैनवस है। तो मैंने कहा दिखा दीजिए। तो मैं 4-5 मिनट उनके साथ उस चीज़ के बारे में वार्तालाप करूँगा, बातचीत करूँगा थोड़ी, और मैं उनके साथ 4-5 मिनट जब बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर एक्चुअल में ये सोच रहा हूँ कि मुझे अब इन्हें क्या एक्सक्यूज़ देना है कि मुझे सामान खरीदना ना पड़े। और आपका एक्सक्यूज़ भी सॉलिड होना चाहिए। जैसे कि अगर उन्होंने आपको स्ट्रेच कैनवस दिखाया तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला साइज़ नहीं, मुझे तो ये वाला साइज़ चाहिए था, ये आपके पास नहीं है। या फिर आप उसके पास साइज़ भी अवेलेबल हैं तो आप बोल दीजिए कि भैया मुझे तो शीट चाहिए थी, कैनवस शीट चाहिए थी, वो आपके पास नहीं है। मुझे लूज़ कैनवस शीट चाहिए थी, वो आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं। और अगर बाय चांस उसके पास ये चीज़ें हैं तो आप बोल दीजिए कि मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए था, या फिर कुछ और बोल दीजिए, ये और कुछ नहीं मिले तो बोल दीजिए मुझे तो ब्लैक कैनवस चाहिए था। मतलब कि आपको वहाँ पे ख़रीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि भाई आप इसी मकसद से दुकान में घुसे हो कि मेरे को सामान नहीं खरीदना है। आपको इंटरेस्ट वहाँ पे दिखाना है। और फिर इसी तरीके से आपको 3-4 दिन जाने के बाद आप फिर उसके पास जाइए, 2-4 मिनट आप उससे बात कीजिए और फिर उसको बोलिए कि भैया ऐसे ऐसे हैं कि मैं ना पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। क्योंकि वो 4-5 दिन जाने के बाद वो भी आप में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। और फिर आप उनको बोलिए कि भैया ऐसे ऐसे हैं, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, और आप उन्हें दिखाइए कुछ आपने जो पहले पोर्ट्रेट्स बनाए हों। और आप उनको बोलिए कि अगर मैं आपको अपना आपका पोर्ट्रेट बना के दूँ तो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर दोगे उसको सामने? अगर वो बोलते हैं हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो थोड़ा सा नानुकुर करते हैं तो आप उसको बोलिए कि भैया मैं 10% आपको कमीशन दूंगा जो भी आपके थ्रू मेरे पास ऑर्डर आता है। यानी कि आपने उसका पोर्ट्रेट बना के, बढ़िया सा ज़बरदस्त आपने उसका पोर्ट्रेट बना के उसको डिस्प्ले कर दिया वहाँ पे उनकी दुकान के काउंटर पे, जो मेन अच्छी सी जगह पे, खुद जाके उसको डिस्प्ले करके आइए। और इस चीज़ में कंजूसी मत कीजिएगा कि आप सोचे कि सस्ता वाला फ्रेम करा दूँ। आपको डिस्प्ले पे लगाना है भाई साहब आइटम, उसको बहुत ज़बरदस्त वाला फ्रेम करवाइए और जितना हो सकता है उतना बेस्ट आप उसको बना करके दीजिए और वो दुकानदार भी खुश हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करें कि उसका अगर कोई बच्चा है छोटा तो बच्चे का बनाएं, क्योंकि बच्चे के पोर्ट्रेट्स ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, क्योंकि उनके पास जो सामान खरीदने के लिए आते हैं वो भी मोस्टली बच्चे ही होते होंगे। तो बच्चे का पोर्ट्रेट आप बनाएं। और बूढ़े का पोर्ट्रेट अवॉइड कीजिएगा कि ये हो कि भाई दुकानदार बूढ़ा सा है और आप उस बूढ़े का पोर्ट्रेट बना के टांग के आ गए वहाँ पे, तो कोई सोचेगा आप समझ गए तो उससे आपको फिर आप वीडियो में कमेंट करोगे भाई कमीशन वक्त तो आया नहीं, ऑर्डर तो आया नहीं, मैं तो पोर्ट्रेट भी बना के दिया है, मेरा तो खर्चा हो गया। तो वो चीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। किसी यंग बंदे का पोर्ट्रेट बनाइए या फिर किसी बच्चे का पोर्ट्रेट आप बना करके वहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले कीजिए और उसके नीचे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर उसको बोल दीजिए कि अगर वो खुद ही आपकी तरफ उनको डायरेक्ट कर दें, रेफ़र कर दें आपकी तरफ क्लाइंट्स को, तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप उन्हें बोल दीजिए कि भैया 10% आपको हर ऑर्डर पे कमीशन मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 रुपये ले रहे हैं एक पोर्ट्रेट के तो 10 रुपये आप उन्हें दे दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। और फिर एक पॉइंट के बाद जब आपके थोड़ा नेटवर्क बन जाता है, जब आप कई सारे लोगों को खुद पर्सनली जानने लगते हो, तो फिर आप ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। अब 2-3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो फिर सोचते हैं कि हमारे पास पोर्ट्रेट्स के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जब भी आपसे कोई पोर्ट्रेट बनवाता है तो वो किसी उम्मीद से बनवाता है, वो किसी को गिफ्ट देने के लिए बनवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आपसे पोर्ट्रेट बनवा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का और वो उस पोर्ट्रेट को दे के उसे प्रपोज करने वाला है, तो भाई साहब उसकी इज्जत टिकी है आपके पोर्ट्रेट के ऊपर। तो आपको ना वहाँ पे अपना दम लगा देना है। वहाँ पे बात पैसे की नहीं है, अब बात है आपकी डिग्निटी की कि आप कितना ज़बरदस्त उसे पोर्ट्रेट बना के देते हो। अगर वो पोर्ट्रेट बना के उसकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दिया तो वो आपको ना दिल से दुआएं देगा। और एक चीज़ जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पोर्ट्रेट बनाया और उस पोर्ट्रेट के अंदर आपको दिख रहा है कि भैया इसमें नाक थोड़ी सी टेढ़ी है और आपको ये चीज़ दिख रही है, और दिखते हुए भी आपने लेजीनेस के कारण या फिर ये सोच के कि मुझे ये ठीक नहीं करना है या फिर मैं ऐसे ही इसको टिरका देता हूँ, मतलब कि उसको भद्दू बना देता हूँ अगले सामने वाले क्लाइंट को, तो मेरे भाई ये चीज़ कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ना इसमें थोड़ी सी भी नाक टेढ़ी है या फिर कुछ आपको कमी लग रही है, तो लास्ट मोमेंट पर भी आप उसको ठीक कीजिए और उसको ठीक करने के बाद ही उसको दीजिए। होता ये है कि आपने तो यहाँ से दे दिया, अब 90% क्लाइंट आपको दोबारा कंप्लेंट नहीं करेंगे कि भाई आपने उसमें थोड़ी सी नाक टेढ़ी थी। 90% लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो सिंपली ऐसा करेंगे वो लौट के आपके पास आएंगे ही नहीं।
और जो 10% जो आपके पास वापस से कंप्लेंट करने आएंगे उनको भी आप ये कोशिश करोगे, मैं इनको बोल दूं कि फ़ोटो में भी ऐसा ही था और या फिर ऐसा ही था, जबकि अंदर से आपको पता है कि भाई वो एक्चुअल में मैंने 100% उसमें दिया नहीं है, वो एक्चुअल में वहाँ पर नाक टेढ़ी थी, और फिर आप एक्सक्यूज़ करने लगते हो सामने वाले के साथ। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में कमीशन वर्क कभी भी नहीं ले सकते। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा है आप उसको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करें, आपकी सर्विस और प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू सेल पेंटिंग्स ऑनलाइन, तो इस पर अगर मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप अपनी पेंटिंग्स कैसे सेल कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।